खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां सामाजिक संगठन सेवाज्ञ संस्थानम द्वारा पतंजलि योगपीठ में 2 दिवसीय युवा धर्म संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी, योग गुरु स्वामी रामदेव और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि युवा धर्म संसद में देश के कई राज्यों से करीब 2000 छात्र छात्राएं शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही स्वामी विवेकानंद के विचारों से युवाओं को प्रेरित करने का उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में कई चिंतक और विचारक पहुंचकर युवाओं से संवाद कर रहे हैं। इसी दौरान मंच से संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि युवाओं का भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। युवा जिस भी क्षेत्र में जाएं, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करें। इसके आगे सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में देश के युवाओं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियाँ हैं, आज तमाम प्रकार के होने वाले कार्य हैं। विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, उसमें सभी युवा सहभागी बनेंगे और युवाओं का आने वाला जो 25 साल जो हमारा एक कर्तव्य काल है, अमृत काल है, इस अमृत काल युवा नौजवान प्रमुख भूमिका में होने वाले हैं। इसलिए उनकी भूमिका सही दिशा में जाए तो कहीं ना कहीं ये युवा धर्म संसद उस दिशा में सबको प्रेरित करेगी। एक बहुत बड़ा संयोजन किया युवाओं का, युवा धर्म संसद के नाम से इसका ये कैरेक्टर के साथ कैरियर बिल्डिंग, चरित्रवाद के साथ समाज निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण, आने वाली भारत की युवा पीढ़ी संस्कारित तो हो, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास के पथ पर देश अग्रसरित हो, और यह वीर प्रसूता भारत माता माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्याह के संकल्प से अनुप्राणित होकर के सब देश के युवक युवतियां इस एहसास के साथ कि मैं भगवान राम कृष्ण का वंशधर हूँ, मैं ऋषि श्रीनिवास का वंशधर हूँ, अपने भीतर ऋषित्व और देवत्व को धारण करके ऐसे प्रतिमान घड़े कि 2047 से पहले ही भारत सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व की महाशक्ति विश्व गुरु बन जाए, इस भाव चेतना के साथ यह युवा धर्म संसद रखी है। मैं आश्वस्त हूँ कि भारत का युवा, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य ऐसी संस्कारी युवाओं से संरक्षित होगा।